Hi guys, welcome and welcome back to my channel. You are watching Habibullah. So guys, पाल वर्ड के एक नए एपिसोड के साथ हम आ चुके हैं एंड हमने थोड़ा सा बेस बनाया था जो कि छोटा मोटा अपने लेवल के हिसाब से था. कुछ पाल्स पकड़े थे, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ. बस इतने ही पाल्स पकड़े हैं हमने. यहाँ पर एक और की जगह है तो मैं छोटा वाला भी यहाँ पर डाल देता हूँ. कौन सा वाला डाले भाई? तो ये कटिवा में डाल लेता हूँ क्योंकि माइनिंग वाइनिंग करेगा थोड़ा सा. तो आज हम बेस को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे एंड थोड़े हाई लेवल के पाल्स भी पकड़ने वाले हैं. साथ ही इतर डियर को हम राइड भी कर सकते हैं आई थिंक इस वाले को. तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ. इस वाले का सैडल बनाएंगे हम, तो इसकी फिर हम सवारी भी कर सकते हैं. अभी इसका सैडल अनलॉक नहीं हुआ है तो उसको अनलॉक करने की भी कोशिश करेंगे एंड थोड़े छोटे मोटे और गोल्स है हमारे जो कि हाई लेवल पाल्स को पकड़ेंगे. बॉस के साथ भी फाइट ले सकते हैं हम. थोड़ा सा मैप को और एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. बेस को अपग्रेड करने के लिए हमें कैंप फायर की जरूरत है. तो यहाँ पर मैं कैंप फायर बिल्ड करने वाला हूँ तो इसको बिल्ड कर देते हैं. वैसे नौकर चाकर भी अभी आ जाएंगे तो जल्दी जल्दी बिल्ड हो जाएगा एंड बस बिल्ड होने ही वाला है. तो 1 सेकंड में कैंप फायर हमारा लग चुका है. बेस अभी अपग्रेड हो सकता है तो इसको अपग्रेड कर लेते हैं एंड अभी स्टैचू भी बनाना पड़ेगा. तो अगर हम स्टैचू बना सकते हैं, ओके स्टैचू तो हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्टोन एंड पैलेडियम फ्रेगमेंट रिक्वायर होंगे तो वो लेके आते हैं. यार ये लोग मतलब स्टोन माइन कर ही नहीं रहे हैं. ये फॉर्म मैंने लगाया किस लिए है भाई? मैं खुद माइनिंग करूंगा क्या? ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं माइनिंग के लिए? अरे भाई ये लोग मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं क्या? इतने सारे स्टोन यहाँ पर पड़े हैं, सारे स्टोन यहाँ पर भी पड़े हैं. पैलेडियम फ्रेगमेंट और भाई क्या वुड मिला है. तो गाइज अभी हम स्टैचू बना सकते हैं एंड इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ अपने बेड के जस्ट ऊपर. तो इसका मुंह उधर साइड पे कर लेते हैं एंड इसको मैं यहाँ पर प्लेस भी कर देता हूँ. वर्क करेंगे भाई, लेकिन यहाँ पर कोई बनाने आएगा या फिर नहीं आएगा भाई? भाई नहीं आ रहा है कोई भी, ऊपर नहीं आ रहा है. ये विक्स एक तो ये काम ही नहीं कर रही यहाँ पर, वैसे ऊपर कड़ी है. पूरा मेहनत मुझे ये करना पड़ेगा. तो गाइज हमारा स्टैचू तैयार हो चुका है जहाँ पर हम अपनी एंड अपने पाल्स की लेवल को बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं. वैसे यहाँ पर मैं कैप्चर रेट बढ़ा सकता हूँ एंड पाल्स का यहाँ पर हम एबिलिटीज वगैरह बढ़ा सकते हैं, हेल्थ अटैक वगैरह. तो ये हमारा यहाँ पर लग चुका है. कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना. तो भाई इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ मिशंस कंप्लीट करने हैं जो कि ऊपर के साइड मुझे कैप्चर करने हैं. 5 लैम्प बॉल जो कि मैंने 4 तो कैप्चर कर लिए है. सामने 2 दिख रहे हैं, नहीं बल्कि 3 दिख रहे हैं. तो इसमें से मैं एक पकड़ने वाला हूँ ताकि हमारा 5 कंप्लीट हो जाए. तो इसको मैं कूट देता हूँ यहाँ पे. ओके ये तो बहुत लो हो गया है तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ. आजा भाई 100% आ गया. ओके इसको भी पकड़ लेते हैं, एक्सपी इंक्रीज होगी. हमारा एक मिशन तो कंप्लीट हो चुका है. तीसरा वाला यहाँ पे है तो इसको भी पकड़ लेते हैं. आजा भाई. ओके लेवल 11 हो चुका है हमारा एंड आजा भाई जल्दी आजा. लेवल 11 12 करने के लिए हमें थोड़े से और कैप्चर करने पड़ेंगे एंड यहाँ पर हमारा मिशन भी है 30 कैप्चर करने का. तो केटिवा को कैप्चर कर लेते हैं भाई, ये तो मर ही गया है. ओके वहां पर एक और केटिवा था जो कि भाग चुका है. लैम बॉल है तो इसको कैप्चर कर लेते हैं. ओके फिर से आजा. इसको 10 कंप्लीट करना पड़ेगा, 10 लैम बॉल को, तो हमारा लेवल थोड़ा सा जल्दी अप होगा. जैसे कि 8 हमने कैप्चर कर लिए हैं, बाकी 2 बचते हैं. सामने यहाँ पर एक चिकीपी नजर आ रही है तो इसको भी पकड़ ही लेते हैं एंड आजा भाई. 100% कैप्चर रेट भाई थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है भाई. पाल स्पेयर खत्म हो चुके हैं. चिकीपी भी हमने 3 पकड़ लिए है तो 10 इसको भी पकड़ना पड़ेगा ताकि लेवल जल्दी इंक्रीज हो. यहाँ पर गाइज एक और चेस्ट भी मैं बनाने वाला हूँ ताकि यहाँ पर जो भी सामान पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर कट्टा करे बंदे एंड इसको खुद ही बनाएंगे भाई. मैं नहीं बनाने वाला तो ये खुद बनाएंगे, खुद इसमें सामान रखेंगे. तो इनको बनाने दो ये एंड हम यहाँ पर बना लेते हैं पाल्स पेयर जो कि पकड़ेंगे भाई. बॉस पोकेमॉन पकड़ेंगे पाल्स पेयर से. बट थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो जाए तो 11 बन रहे हैं, इसको भी मैं लगा देता हूँ. केटिवा तैयार करेगा भाई, हम खुद नहीं तैयार करेंगे. मैं यहाँ पर इनके लिए एक बेड लगा देता हूँ क्योंकि 4 हमारे नौकर है एंड बेड 3 है. तो एक बेड मैंने यहाँ पर लगा दिया है एंड भाई ये काम छोड़ के उधर चला गया. मतलब क्या ही बंदा है. चलो मैं ही तैयार कर देता हूँ यार. मतलब कुछ काम खुद करने पड़ रहे हैं, लेकिन लेवल अपग्रेड होने दो भाई, फिर सारे काम इनसे ही करवाएंगे. अभी तो यहाँ पर हम खुद बना लेते हैं. हमारे पाल्स पेयर रेडी हो चुके हैं गाइस. अभी चलो कटिवा को पकड़ लेते हैं थोड़े से एंड साथ ही लैम बॉल 2 बचते हैं, 2 उनको पकड़ लेते हैं. तो सामने चिकपी नजर आ रही है, चिकपी को भी चलो पकड़ ही लेते हैं. 8 बॉल है हमारे पास तो 8 मतलब पोकेमॉन्स को तो पकड़ ही सकते हैं. ओके तो 2 तुम आ जाओ. ये 1 हो गया और ये रहा दूसरा. भाई मरना नहीं है, मरना नहीं है, साथ में आना है. ओके ये 2 तो आ गए हैं. कटिवा कहाँ पे भाग रहा है भाई? एक तो ये भाग रहा है. ओके इसको मैं इधर आ भाई. ओके अभी आ रहा है, ये ले
लैम बॉल ले, लैम बॉल कह रहा हूँ सॉरी, पोकी बॉल ले, और तू भी आ जा भाई, तू दो चाहिए मेरे को ये, तो आ जा भाई। चिकपी को भी पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, आ जा भाई, ये तो आ ही जाएगा। लैम बॉल के पास चलते हैं, आ जा भाई तू, आ जा तू, मुझे एक चाहिए। ये हो गया हमारा कितना, 10 कंप्लीट हो गए हैं या फिर नहीं अभी देखते हैं। ओके ये हमारे 10 कंप्लीट हो चुके हैं, एक और पकड़ लेते हैं, थोड़ी सी एक्सपी मिलेगी। अरे बाप रे भाई दूर, अबे क्या कर रहा है ये, रुक जा भाई। सही तीर, इसको सही तीर नहीं लगा इसलिए बॉल दूरी फेंक दिया इसने। एंड अभी हमारा लेवल 12 हो जाना चाहिए इसके साथ ही, चलो कम ऑन। अरे भाई नहीं हुआ, एक और को पकड़ते हैं भाई, सामने ये नजर आ रहा है, इसको पकड़े क्या, मेरे पास बॉल सिर्फ दो है। एंड इतर डियर वर्सेस इतर डियर की फाइट कराएंगे। ओके भाई नाइस, इसको हेडशॉट दे देता हूँ मैं, रुक जा भाई। ओके नहीं गया, और रे बाप रे, बॉडी शॉट ही दे देते हैं भाई, कहाँ पे देंगे। ओके रुक जा रुक जा, सीधा मारना नहीं है इसको, पकड़ना है। दो बॉल में आ जाएगा क्या, एक बॉल तो वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं हुआ भाई, आ गया। लेट्स गो गाइस, एंड लेवल 12 भी हो चुका है, अभी हम इसका सैडल आई थिंक अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन रात हो गई है, पहले दिन कर लेते हैं। ओके गाइस सो जाते हैं, एंड सुबह हो चुकी है, तो चलो अभी इसका सैडल बना लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, पहले तो अनलॉक करना पड़ेगा। ये रहा गाइस थर्ड ईयर का सैडल, इसको अनलॉक कर देते हैं, पिल्ट आर्मर को भी अनलॉक कर देते हैं। एंड और क्या क्या चीजें हो सकती है, लिप मंका सब मशीन गन थोड़ा सा अच्छी चीज लग रही है, इसको भी अनलॉक कर देते हैं। मेटल एक्स भाई, इसकी तो जरूरत है मेटल एक्स, और इस चीज की पिकेक्स की भाई। सैडल के लिए मुझे इंगट चाहिए, एंड इंगट अभी कहाँ मिलेंगे भाई, पैलेडियम फ्रेगमेंट भी चाहिए बहुत सारे। इंगट बनाने के लिए हमें चाहिए ये वाली, और जो कि हमें इस वाले पत्थर से मिलेंगे, और एक मिल चुका है, तो इसको माइन कर लेता हूं मैं। इंगट बनाने के लिए हमें चाहिए परमिटिव फर्नेस, जो कि मैंने अनलॉक कर दिया है, एंड बिल्ड भी कर देता हूं। तो ये बन रहा है हमारा परमिटिव फर्नेस, जो कि फाइनली तैयार हो चुका है। एंड इसमें मैं रख देता हूँ इंगट, जो कि 10 बनाने हैं, मैंने 16 रख दिए हैं, आगे भी काम आएंगे। तो चलो यहाँ पर कटीवा लगेगा भाई, नहीं कटीवा नहीं सॉरी, ये वाला आग वाला लगेगा, जो कि आग सेकेगा और हमारे इंगट बन जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक ये बना रहा है, तो थोड़े से हम और काम कर लेते हैं, जैसे कि पाल स्पेयर बना लेते हैं, स्टोन रिक्वायर है। सो गाइज हमारे इंगट बन चुके हैं, एंड फाइनली फाइनली अब हम सैडल तैयार करने वाले हैं, जो कि ईथर डियर की हम सवारी कर सकते हैं फिर। एंड लो ये हमारा सैडल बन रहा है, जो कि 1 घंटा तो लगेगा भाई, जिस स्पीड से ये बन रहा है ना, तो मुझे लगता है कि 1 घंटा लगेगा, लेकिन वैसे कम टाइम लगेगा, इतने भी टाइम नहीं लगेगा, मजाक कर रहा हूँ। जब तक बतख इसको बना रहा है, तो मैं बेस को अपग्रेड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर सी पर तो नहीं, वी क्लिक कर देते हैं, बेस हमारा अपग्रेड हो सकता है, तो लेवल 6 हो चुका है। एंड लेवल 7 के लिए बिल्ड क्रशर बिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक और पाल को रख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये आग वाला रख देता हूँ, क्योंकि आग वाला कोई भी पाल हमारे बेस पे नहीं है, तो मैंने इसको रख दिया है को। एंड साथ ही गाइस अभी इसको बना लेते हैं। वैसे क्रशर को हम अनलॉक तो कर सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए फिर से स्टोन एंड पैलेडियम फ्रेगमेंट लगेगा। एंड फाइनली गाइस हमारा सेडल तैयार हो चुका है, एंड साथ ही कहा गया पर हमारा इतडियर, ये तो बेस वाला है, ये नहीं ये वाला, एंड इसको हम अभी राइड कर सकते हैं भाई साहब। ये देख लो गाइस कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो इससे अब हम जल्दी जल्दी कहीं पर भी जा सकते हैं इस तरह से। एंड थोड़ा सा मैं मैप को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ, एंड साथ ही थोड़े से हाई लेवल पाल्स को भी पकड़ेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे बेस पर पाल्स अवेलेबल है, तो वो हमारे इतने कुछ काम के हैं नहीं। एंड भाई एक तो ये स्टेमिना जो बीच में आ जाती है ना, लो हो जाती है, तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सो गाइज मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम एक तो इसका भी सैडल बनाएंगे गाइज, नाइट विंग का, लेकिन वो मुझे देखना पड़ेगा कि कब अनलॉक होगा, तो फिर हम उड़ भी सकते हैं। तो थोड़ा सा मैप को मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ। वैसे तो हम फास्ट ट्रेवल से भी आ जा सकते है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा था इतर डियर की सवारी। एंड भाई मैं कुछ भूल गया हूँ, इसके लिए फिर से बेस पर वापस जाना पड़ेगा। एंड मैं क्या भूला हूँ, तो मैं पाल्स पेयर भूल गया है भाई, मैं जो मेन चीज है वो मैं भूल गया, तो इसको बना लेते हैं। वैसे तो 3 बन रहे हैं, थोड़े से और बनाने पड़ेंगे मेरे को। एंड भाई ये लोग काम अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब इतने सारी चीजें है, ये कैसे मैं उधर पहुंचाऊंगा। ओके पहुंचा सकता हूँ, ऐसा ना हो कि ओवरलोड हो जाए मेरे पे। तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको भी रख देता हूँ,
एंड बाकी सारी चीज़ें रहने देते हैं। वैसे इसको रख देता हूँ, थोड़ी सी इन्वेंट्री खाली होगी भाई, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ एंड इसको रख देता हूँ। तो अब हम थोड़े से और पाल्स पेयर बना सकते हैं, जो कि 9 है, काफी है भाई, बहुत सारे पाल्स इसमें आ सकते हैं, लेकिन बॉस वाले इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे, उसके लिए थोड़े से ज्यादा ही लगेंगे। चलो भाई टेलीपोर्ट कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे टेलीपोर्ट करूंगा मैं गाइस, एंड यहाँ से आगे जाएंगे ईथर डियर पे, क्योंकि वहां पर मैप खुला नहीं है, फास्ट ट्रेवल अनलॉक नहीं है हमारे, तो यहाँ पर आ जा मेरे भाई, चलो चलते हैं एक्सप्लोर करने। अच्छा यार, चलते चलते मुझे ये भी पता चला कि भाई ये डबल जंप भी लगाता है, ये देख लो भाई, काफी नाइस डबल जंप लगा रहा है भाई बंदा, मतलब क्या ही कमाल का है। थोड़ा सा इससे अच्छे पाल्स मिल जाए तो उसको भी हम फिर राइड कर सकेंगे, जल्दी जल्दी कहीं पर पहुंच सकेंगे। तो अब हम एक न्यू इलाके में इंटर करने वाले हैं एंड देखते हैं भाई आगे आगे कौन से पाल्स मिलेंगे। और रे बाप रे भाई, ये क्या हो गया? नहीं यार, मैं कहीं गलत जगह पर फंस गया है यार, यहाँ पर थोड़ा सा कितने 22 लेवल के है यार, मेरा लेवल अभी थोड़ा सा ज्यादा ही कम है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, कहीं गलत ही जगह पर फंस गया यार मैं तो। ये तो करंट दे रहे हैं भाई, करंट वाले तीर मार रहे हैं ये लोग, यार भागो भागो भाई। ये एक न्यू पाल देखने को मिला है, 17 लेवल का है, तो इसको भी फिलहाल छोड़ ही देते हैं। ओके, यहाँ पर नीचे एक अंडा दिख रहा है एंड भाई वो बंदे पीछा ही नहीं छोड़ रहे, फ्रोजन एग मिल चुकी है, ओके नाइस। और ये 16 लेवल का है, ये भी 15 लेवल का है, इसको भाई छुएंगे भी नहीं, हम सामने ही जाएंगे। भाई ये कितने बंदे हैं यार, यहाँ पर भी बंदे हैं, मतलब और 20 लेवल के। ओके, इन लोगों ने तो यहाँ पर पाल्स को भी पकड़ा है और इन लोगों की खुद की लड़ाई चल रही है। भाई मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो, मुझे तो छोड़ दो भाई, मैं कहाँ ही आ गया इन लोगों से बचते बचाते। देख लो भाई मैं कहाँ ही आ गया हूँ, यहाँ पर मैं छलांग लगाने वाला हूँ, खुदकुशी करने वाला हूँ भाई, ये लोग तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। ओके, सेफ लैंडिंग हो गई हमारी एंड भाई मैं कहाँ ही आ गया हूँ यार, क्या ही खतरनाक जगह लग रही है। ओके, वहां पर एक फास्ट ट्रेवल है तो मैं उसको अनलॉक कर लेता हूँ पहले तो। एंड भाई ये तो मजे की चीज है, ये इतने देर को, मतलब क्या हो गया, एक और गुस्सा हो गया यार, मतलब मैं गलत। ओके, मेरा इतर डियर भी मरने वाला है यार, थोड़ा सा मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतने सारों से कैसे फाइट ली जाए, वो भी अपने डबल लेवल के। तो भाई मैं इन इलाकों में पहुंच चुका हूँ एंड यहाँ पर तो इतने खतरनाक पाल्स है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, हमारे लेवल का कोई मिल ही नहीं रहा है, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। रात हो गई है तो सब सो रहे हैं, ये वाला भी सो रहा है और ये भी 24 लेवल का है भाई, सामने 25 लेवल की। और ओके, ये तो जाग रही है आई थिंक, तो मुझे थोड़ा सा चुपके से जाना पड़ेगा। 16 लेवल की, भाई कोई तो अपने लेवल का मिल जाओ यार, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ओनली इस चेस्ट के अलावा। तो इसको ओपन कर लेते हैं, कॉइन्स मिल चुके हैं, ब्रेड मिल चुकी है, नाइस बात है। भाई मैं बैग कहाँ से जाऊँ, कुछ दिख नहीं रहा। ओके भाई सब सो रहे हैं तो यहाँ से मैं भाग सकता हूँ, भाग लो भाई पतली गली से भाग लो, यहाँ पर नहीं आना, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे भाई, मतलब 20 लेवल से भी फाइट ले सकते हैं, लेकिन हमारा लेवल अगर 15 हो जाए तो। रात हो रही है, पहले तो सुबह कर लेते हैं, अपने पाल्स भी सो रहे हैं भाई मस्त पराठे मार के। लो गाइस सुबह हो चुकी है एंड कुछ पाल्स के तो बेड भी नहीं है, लेकिन उनके लिए बाद में बनाएंगे, पहले तो यहाँ पर मैं अपने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यार, बेस को लेवल 7 कर देते हैं। तो गाइस फाइनली हम बना सकते हैं क्रशर, जो कि ये वाला है, तो इसको मैं यहाँ पर ही कहीं पर सेट कर देता हूँ। ओके, ये हमारा बन चुका है क्रशर एंड अब हमारा बेस लेवल 7 हो जाना चाहिए, तो जाके बनाओ भाई मजदूर लोग, जल्दी जल्दी जाओ और बनाओ। तो अब हमारा बेस हो सकता है लेवल 7, जो कि हो भी गया है, तो यहाँ पर मैं एक और को रख देता हूँ। किसको रख के भाई, कोई काम वाला है ही नहीं, माइनिंग वाला एक और मैं रख देता हूँ कैटिबा को, क्योंकि माइनिंग की जरूरत बहुत पड़ती है, तो वो रख देता हूँ। साथ में भाई क्रशर में हम बना सकते हैं पैलेडियम फ्रेगमेंट, जो कि इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है, एंड फाइबर भी बना सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है भाई। कितने माइन किए हैं, वेरी नाइस, 4 माइन किए हैं। तो रात के लिए मैं टॉर्च अनलॉक कर देता हूँ, हाई क्वालिटी वर्क बेंच भी अनलॉक कर देते हैं, हॉट स्प्रिंग भी अनलॉक कर देते हैं, पाल्स तकेंगे तो भाई आराम कर सकते हो उसमें। अच्छा गाइस रेंच बना सकते हैं हम, जिससे हमें मिलेगी वूल मिलेगी एंड कुछ तो और चीजें मिलेंगी, वो तो देखेंगे भाई, लेकिन स्टोन चाहिए, स्टोन किसी ने माइन नहीं किया क्या भाई, ये माइनिंग वाले बंदे तो बहुत ही बेकार है यार। ओके, तो मैं रेंच बना लेता हूँ, जो कि अभी हमारा बन सकता है एंड भाई ये कितना बड़ा है, कितने जगह गिर रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, तो ये रहा हमारा रेंच, जो कि बनने के बाद दिखाता हूँ।
लो बन गया गाइस हमारा रेंच एंड कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें शीप बैठेंगी गाइस और वो हमें क्या देंगे इसको मैं यहाँ पर पहले लगा ही देता हूँ। खुद ही आ गया भाई, लगाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आ गया। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे तो वो फिर बाद में देखेंगे। मैं यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा एक चेस्ट भी बना देता हूँ। तो ये रहा हमारा वुडन चेस्ट जिसमें ये सारा सामान जो ये लोग प्रोड्यूस करेंगे तो वो रखेंगे। एंड साथ में ये लोग कुछ और चीजें भी रख सकते हैं जो कि ये सामान इधर उधर पड़ा हुआ है तो वो भी रख सकते हैं इसमें। हॉट स्प्रिंग मैं बना लेता हूँ यहाँ पर रिवर के साथ में ही, एंड ये बेस से बाहर तो नहीं जा रहा। ओके ठीक है भाई, अपने आराम के लिए कितनी जल्दी जल्दी ये लोग काम कर रहे हैं। 4 बंदे एक चीज को लगाने में लगे हुए हैं एंड ये बन भी चुका है, तैयार भी हो चुका है। एंड भाई इतना डियर आके लेट भी चुका है इसमें, मतलब बैठ भी चुका है, जो भी है यहाँ पर देख लो भाई, मतलब खूब मजे है इन लोगों के। यहाँ पर प्लेयर तो नहीं बैठ सकता, ओके पाल जी बैठ सकते हैं, नाइस। ओके मर्चेंट आ चुका है, मर्चेंट को हम कुछ बेच सकते हैं। ओके टाल्क कर देते हैं। एंड भाई कुछ सेल तो नहीं करना, हाँ सेल ही करना है, सेल क्यों नहीं करना भाई। ये वाली चीज बेकार है, इसको मैं सेल कर देता हूँ। ये वाला बो भी हमें नहीं चाहिए, ओल्ड बो, क्योंकि हमारे पास न्यू 3-शॉट बो है। एंड इसको भी रहने देते हैं। बाकी सारी चीजें तो काम की है, कुछ ना कुछ बन रहा है इससे, तो मैं सेल कर देता हूँ। ओके अच्छे खासे पैसे मिले हैं भाई, और कुछ नहीं चाहिए। ओके तू बेच क्या रहा है वो तो मैं देख लूं। भाई अगर करना हो तो भाई क्या दे सकता है मुझे। ओके भाई ये तो बहुत ही महंगे एंड फजूल सी चीजें बेच रहा है भाई, तुम जाओ यार, मतलब कुछ लेना ही नहीं है, जाओ भाई। भाई ये लोग सारा का सारा सामान इधर ही छोड़ रहे हैं एंड मैं ओवरलोड हो गया हूँ, तो यहाँ पर एक चेस्ट ही बना लेता हूँ मैं। भाई सारा का सारा सामान इधर ही रखेंगे, उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। एंड एक के लिए इनक्यूबेटर बना सकते हैं क्या हम? एक से कुछ अगर अच्छा निकले, अच्छा पोकेमोन निकले तो मजे आ जाएंगे। लेकिन इनक्यूबेटर कहाँ पे है भाई इनक्यूबेटर? ओके ये रहा हमारा इनक्यूबेटर, लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं है भाई। बॉस को हराने पर ये वाले पॉइंट्स मिलेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर ही रख देता हूँ। एंड ये वाला एक तो किसी काम का ही नहीं है, इसको खा लेते हैं, बाकी ये भी खा लेते हैं। बेस को अपग्रेड करने के लिए एक और बेरी प्लांटेशन बनाना पड़ेगा, तो ले भाई ये रहा एक और बेरी प्लांटेशन। एंड अब कर देते हैं अपने बेस को लेवल 8। ओके बाकी तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे हमें। एंड यहाँ पे रख देता हूँ मैं एक और केटिवा को, एक और माइनिंग वाले बंदे को, बेड्स भी बना लेता हूँ मैं साथ में। तो ये लग चुके हैं इनके 4 और बेड्स, एंड साथ ही वुडन फाउंडेशन भी मैंने लगा दिया है। अच्छा गाइस अभी चलते हैं थोड़ा सा इस वाले साइड पे, इधर आ जा भाई, इस वाले साइड पे जाएंगे, इस वाले साइड को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं। एंड गाइस अगर थोड़ा सा बीट करने वाला कोई पाल देखने को मिला जो कि बॉस पाल हुआ एंड हम उसको बीट कर सके तो उसको भी बीट करेंगे। पहले यहाँ पर ट्रेजर उठा लेते हैं एंड जिसमें कुछ खास मिला नहीं हमें। इसको पकड़ लिया था क्या वैसे इस केटिवा, ये क्या है, क्लेरी को पकड़ लिया था क्या इसको? अरे बाप रे भाई ये क्या है, इसमें तो पावर्स भी है। ओके थोड़ा सा मैं इसको इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। अरे भाई नाइस, ओके इसको ये वाला तो पकड़ में आ ही जाएगा, इस वाली को भी पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर भी पावर का इस्तेमाल करेंगे। एंड भाई इसको भी पकड़ लेते हैं, आजा भाई। अरे ना कह रहा है भाई, हम ही ना कहेगा तो भाई मरेगा तू। ओके इसको पकड़ लेते हैं, तू तो आ जा भाई, तू आ जा, आ जाने चाहिए। ओके नहीं आया, थोड़ा सा मैं इसको उतर के मार लेता हूँ, लेकिन ये ना मार दे इसको पूरा। ओके अभी आ जा, अभी आ भाई, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे गाइस। इसको भी पकड़ लिया है एंड ये हमने कितने पकड़ लिया है भाई? ओनली 2। अच्छा इसको भी नहीं पकड़ा था क्या? इसको हमने एक पकड़ा था आई थिंक, दूसरा अभी पकड़ा है। सामने एक और 2 क्लेरिस जा रही है बल्कि, तो इनको पकड़ लेते हैं गाइस। ओके आजा इधर आ, ये तो बहुत ही लो हो गया है, तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ। और बहुत सारे हैं भाई सामने। ओके ये तो कुछ कह नहीं रहा है, तो इसको भी हम पावर से ही मारते हैं भाई, इतना डियर की। और रे बाप रे डॉच कर गया, चलो इसको पकड़ लेते हैं, ये खड़ा है इधर, ये इसको पकड़। अरे भाई क्या कर रहा है, इधर आ भाई, सारे पाल्स के नखरे बढ़ गए हैं, मतलब हाथ में ही नहीं आ रहे हैं। ओके सामने एक दिख रहा है, तो इसके ऊपर भी पावर का इस्तेमाल कर देते हैं। एंड मैं सो गया, ओके कोई बात नहीं, अपनी बो एंड एरो तो है ना भाई, ये कभी मिस नहीं होंगे आई थिंक, नहीं हुए। ओके अब भी फाइट कर लेते हैं भाई, आग वर्सेस वाटर। अरे कहाँ गया, अरे नहीं यार इसको थोड़ा सा इधर ले। अब क्या कर रहा है, किधर जा रहा है भाई? ओके नाइस,
हेड लग गया पे, बॉल्स गायब हो रहे हैं भाई, थोड़ा सा करीब जाना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। एंड अभी तो आ ही जाएगा भाई, चलो आ जाओ, रात भी हो गई है। तो रात में हमने टॉर्च तो बनाया था, टॉर्च को मैं यहाँ पर हाथ में पकड़ लेता हूँ, तो भाई थोड़ी सी इससे रोशनी हो जाएगी। कहाँ पर गया, ये रहा हमारा टॉर्च। एंड भाई क्या ही ओपी जंप लगाता है ये बंदा, मतलब इसकी जंप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। इनको 10 पकड़ ही लेते हैं, ये जो क्लेरी है ना, तो इनको 10 पकड़ ही लेते हैं। एंड भाई ये ले, ओके इसमें तो नहीं आएगा, गुस्सा हो गया है बंदा। ओके पूरा ना मर जा, पूरा ना मर जाना भाई, हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ओके क्लेरी पकड़ने में हमारा 13 लेवल हो चुका है। एंड भाई इसको हमने कितने पकड़ लिए भाई, ये तो पूरा ही मर गया ये। अबे रुक जा रुक जा रुक जा, इधर आ इधर आ, थोड़ा सा मैं बो निकाल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा एक शॉट देना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं, रुक जा, तेरी अभी इतनी औकात नहीं है भाई। एक और क्लेरी एंड हमें 4 और पकड़ने हैं भाई, तो मैं इसको पूरा करके ही जाऊंगा आज, तो 10 लेके ही जाएंगे इधर से। ये भाई सो रहे हैं, सोते वक्त इसके ऊपर बॉल फेंकते, देखते हैं आएगा या फिर नहीं। नहीं आया, रुक जा भाई बताता हूँ तेरे को, अभी आ जा। ये तो आ गया भाई, लेकिन बॉल्स हमारे ख़त्म हो गए, फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई रात बहुत हो चुकी है, चले जाते हैं, दिन कर लेते हैं। लो गाइस सुबह हो चुकी है, थोड़े से और पाल्स पेयर बना लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा गाइस यहाँ से एक बंदे को मैं चेंज करने वाला हूँ, ये फॉक्सी को चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह ये रख देते हैं विक्सी। एंड विक्सी हमारे लिए थोड़ी सी हेल्प करेगी पाल्स पेयर में। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, शीप हमारे लिए वूल बना रही है जो कि ये वाली चीज़ है। एंड विक्सी यहाँ पर हमारे लिए स्पेयर बनाएगी, स्पेयर की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो भाई विक्सी को मैंने उधर ही रख दिया है। 16 स्पेयर्स हमारे ये बन चुके हैं, लेकिन मुझे खुजली हो रही है भाई, किसी एक बॉस से फाइट तो लेना ही है आज मुझे, तो यहाँ पर चलते हैं गाइज। वैसे इसको मार तो नहीं पाएंगे, लेकिन इसके साथ में अगर कोई और बॉस मिल जाता है तो अच्छी बात है भाई, हम रेडी हो जाते हैं। ये वाली बहुत ही खतरनाक जगह है, वैसे पिछली बार यहाँ पर हमें भागना पड़ा था बहुत सारे पाल्स की वजह से और बहुत सारे बंदों की वजह से, जो कि वो अभी भी उधर खड़े हुए हैं। तो मैं उधर तो नहीं जाने वाला भाई, इस दूसरे साइड पे चलते हैं। एंड यहाँ पे ओके फाइट चिढ़ गई है, आई थिंक उनकी बीच में ही फाइट चिढ़ गई है, तो अगर मैं फायदा उठा सकता हूँ तो उठा लेता हूँ। तो भाई थोड़ा सा तो मैं यहाँ पर आराम से देखूंगा इनकी फाइट, मैं घुसूंगा नहीं बीच में, इनकी फाइट को देख लेता हूँ आराम से। भाई बहुत ही गंदा मार रहे हैं, वो पाल्स ने सारे बंदों को ही मार दिया भाई, और ये भी बस जाने ही वाला है। चला जा भाई तू, तो चला जा तू, तो हमारे किसी काम का है ही नहीं, मतलब अगर हम इनको पकड़ सके। अरे भाई ये तो मेरे ऊपर आ रहा है क्या, हाँ मेरे ऊपर ही आ रहा है। चलो कोई ना, इससे फाइट ले लेते हैं भाई, ये भी थोड़ा सा बॉस टाइप लग रहा है। तो ओके ये आ रहा है, एंड भाई सामने आ, ये रहा। ओके भाई कितनी दूर फेंक दिया भाई, क्या ही कर रहा है भाई, इसको मार दे, दो बंदे हैं तो अबे यार मेरी HP वो ना आ जाए यार, अभी मतलब मैं तो मर ही जाऊंगा। इतना डियर भाई तू फाइट ले, मैं तो आ ही नहीं रहा बीच में, दूसरे को निकालना पड़ेगा नहीं तो ये मर जाएगा भाई। नाइट विंग को निकालता हूँ मैं। ओके ये अभी, अबे नहीं इतना दूर भी नहीं फेंकना था इसको, मैं पकड़ लेना है यार मुझे, थोड़ा इधर आ भाई, तुझे मुझे पकड़ना है, लेकिन बाकी से फाइट भी नहीं लेना है भाई। ये वो इतना दूर चला गया, अब वो आएगा कैसे आएगा यार। ओके इधर से आ सकता है वो, तो मैं यहाँ पर जाके देख लेता हूँ। अबे यहाँ पर भी फाइट चल रही है, मुझे आगे नहीं जाना। ओके थोड़ा सा मैं इसको अंदर ले लेता हूँ, अब मैं उसको पकड़ू कैसे, यहाँ पर और बंदे हैं, थोड़ा सा आगे जाऊँ। ओके वो आगे चल रहे हैं, पाल्स पेयर भाई पाल्स पेयर उठा लेता हूँ। अबे पीछे एक और आया, ये देख भाई वो मेरे पीछे आ रहा था, मुझे पता ही नहीं था भाई। मार दे भाई मार दे इसको, छोड़ूंगा नहीं मैं आई मैं इसको। इधर आ नीचे आ भाई, ओके मार दे,
अबे मुझे नहीं मारना था भाई, मैं मर गया यार, शिट यार। भाई उसने तो दिल पर ही ले लिया भाई, मुझे ही मार दिया। मैंने कहा मार दे, अपने वाले को कह रहा था, उसने मुझे ही मार दिया। कोई ना भाई, फिर से आएंगे हम, फिर से आएंगे भाई, अपने पाल्स को लेके फिर से आएंगे। वैसे HP तो इतने ज्यादा कम तो कर ही दी थी। और हमारा सामान कहाँ पे है? ओके, सामने ही है। ओ ओ नहीं भाई, ये कहाँ से आ गए भाई डायरेक्टली? ये तो कोई यहाँ पर था भी नहीं, कसम से क्या ही जगह है यार ये। मैं फिर मर गया यार। अब भाई ये आए कहाँ से थे यार? ये तो बिल्कुल डायरेक्टली जादूगरों की तरह स्पॉन ही हो गए। मतलब क्या ही चल रहा है यार यहाँ पे भाई। इस बार ना हो यार, इस बार कोई जादूगरी नहीं होनी चाहिए। ओके मैं आ तो गया, ये मैं कहाँ गया? ओके मैं थोड़ा सा गलत साइड आ गया, यहाँ भी जाना है मैंने। लेकिन मैं अपने पाल्स को रेडी कर लेता हूँ, भागने वाले पाल्स को भाई, जिससे हम भाग सके। तो यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ। अबे फिर से है भाई, मुझे आवाज आ रही है, फिर से है भाई। अबे आ जाना, निकल जा भाई, कहाँ गया? ओके भागो भागो भाई भागो, मुझे यहाँ पर। ओके सामने और भी है भाई, ये कैसी तीर है इनके पास, कसम से यार मैं क्या ही बताऊं। ओके भागो 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 भागो, क्या ही भागा हूँ मैं भाई। अगर बच गया ना मैं तो अपना सामान। अबे सामने भी है, चलो भाई क्या ही करूँ मैं, भागना इस तरह से भागना पड़ेगा भाई, और तो कोई चारा ही नहीं है भाई, क्या ही बोलूँ मैं भाई। ये बड़ी खतरनाक जगह है, लेकिन मैं अपना सामान कैसे उठाऊँ? अब ये देखो यहाँ पर भी इनकी लड़ाई चल रही है भाई, इन लोगों से कोई जगह मतलब खाली है भी कि नहीं यार। ओके सामने एक चेस्ट पड़ा है, अबे तुझसे मैं फाइट नहीं लेने वाला, तो आ मत। चेस्ट पड़ा है, इसको उठा लेते हैं। एरो मिल चुके हैं, डार्क एग है भाई, लार्ज डार्क एग। ओके इसको उठा लेते हैं। एंड भाई सामने से हटो यार, फाइट नहीं लेना मैंने। लिफ्ट मंक उठा लेते हैं। देखो यार अजीब सी सिचुएशन है, एक तो मेरे पास खाना नहीं है, जो कि मेरे पाल टीम जो है वो भी हंगरी है। देख लो भाई हंगरी है भाई, यहाँ पर हंगरी भी लिखा हुआ आ रहा है। एंड साथ ही मैं उधर जा भी नहीं सकता भाई अपने सामान उठाने। एंड एक यहाँ पर तो मुझे एग भी मिल चुका है, तो इसको उठा लेता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर बीच में जाऊँ और थोड़ा सा चुपते छुपाते अगर उधर पहुंच जाओ, वैसे ये लोग तो कुछ कह नहीं रहे हैं तो इनसे कोई ख़तरा तो नहीं है, लेकिन बाकी उधर अगर मैं जाऊंगा तो भाई और पाल्स है जो कि लेजेंडरी पाल है, एंड वो मुझे छोड़ेंगे नहीं भाई। ओके वो सामने ही खड़े हैं भाई, मतलब ये लोग करना क्या चाहते हैं? मारो भाई एक दूसरे को, मारो भाई मुझे बस छोड़ दो, मुझे बख्श दो भाई। भाई मैं साइड से छुप के अपना सामान उठा लूँ ना, फिर देखता हूँ मैं तुम लोगों को। ओके भाई फाइनली मुझे अपना सामान मिल चुका है, पहले तो इसको खाना खिला देता हूँ भाई, ये मर ना जाए, इसको खाना खिला देता हूँ। अबे कुछ तो हो रहा है भाई, मुझे भागना पड़ेगा, ये लोग फिर से आ रहे हैं यहाँ पे। भाग जा भाई भाग जा। तो भाई मैं आगे की तरफ जाने वाला हूँ, यहाँ पर भी ये बंदे हैं, लेकिन भाई इस बार मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ। इस बार तो भाई मैं ऐसे हाथों से निकल के जाऊंगा ना भाई कि पकड़ ही नहीं पाओगे तुम लोग मुझे। ओके मैं, अबे इससे फाइट नहीं लेना था भाई, गलती से ले लिया, सॉरी भाई सॉरी सॉरी सॉरी। ओके कुछ शाइनी कुछ तो है भाई, आवाज़ आ रही है यहाँ पर, ऊपर से आवाज़ आ रही है, उधर मुझे जाना पड़ेगा। इसको तो पकड़ना ही है भाई जो भी चीज़ है ये। लेकिन ऊपर वो बंदे है भाई 27 लेवल, क्या ही करूँ मैं इसका। ओके यहाँ पर फास्ट ट्रेवल है, तो इसको अनलॉक कर देता हूँ। एंड शाइनी वही चीज़ है, मतलब 27 लेवल की यार, इसको पकड़ना तो भाई मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है भाई। इसको मैं कैसे पकड़ूं? एक 27 लेवल का है, एक 18 लेवल का है, तो भाई रहने दो यार। अच्छा गाइस यहाँ पर ये दो अकेले हैं, तो इनसे हम फाइट तो ले ही सकते हैं, मतलब अपने लेवल के हैं तो इससे फाइट ले ही लेते हैं। एंड ओके उतर जा भाई, मार दे जाके। ओके तो इनसे फाइट तो ले ही सकते हैं, मतलब मार दे। और बाप रे भाई ये भी कुछ कम नहीं है, अटक गए क्या? आ जा ना भाई आ जा। ओके नहीं 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 तुझे नहीं कहा था, ये अटक गई है शायद, फिर इसको मैं पकड़ सकता हूं। अबे मर कैसे गया हमें? छोड़ो यार लेवल अप करके आएंगे यार, कसम से मैं बार बार मर क्यों रहा हूँ। एंड भाई मेरे थर्ड ईयर को भी मार दिया है यार इन लोगों ने, कमीनों ने। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कहाँ पे गया? ये मेरा पार्टी में ही है, तो इसको मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ। अबे कोई शाइनी की आवाज आ रही है यहाँ से, कोई शाइनी शाइनी किधर, कौन से साइड से आ रही है भाई? आई थिंक
ऊपर के साइड से आ रही है, जाके मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं अपना इथर्ड ईयर निकाल लेता हूँ यार। ये रहा अपना इथर्ड ईयर, एंड अभी जाके देख लेते हैं भाई। पल्स पेयर तो बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर कुछ तो है भाई, शाइनी कुछ तो मुझे आवाज आ रही है। ओके भाई, लैम बॉल है यार, इसको तो पकड़ सकते है। मतलब कितने स्पेयर है मेरे पास? ओके, 3 स्पेयर है, तो पकड़ ही सकते है इसको। एंड ये रहा अटैक, और ये रहा, अबे बॉल एक्सेप्ट ही नहीं किया भाई इसने तो, मतलब एक्सेप्ट ही कर। अबे मर जाएगा भाई, चलो मर ही गया आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, मरा नहीं है, मरा नहीं है, अभी भी पकड़ सकते हैं भाई इसको हम। लेकिन अरे ये क्या है भाई, ये कौन सी एबिलिटी है इसके पास भाई? मुझे मतलब थोड़े से बॉल्स लेके आने पड़ेंगे। और इतर डियर कहाँ गया मेरा? इधर आ भाई, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी थोड़े से बॉल्स लेके आता हूँ मैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं। इसको मैं उठा लेता हूँ, वो बहुत ही कम एचपी का बचा है भाई। एंड मेरे पास 2 बॉल्स है, देखते हैं हम पकड़ पाएंगे या फिर नहीं पकड़ पाएंगे। ओके, इसको मैं अंदर कर लेता हूँ। एंड पहले तो मैं देख लेता हूँ भाई ये कहाँ पर फंसा हुआ है, अभी भी आवाज़ आ रही है मेरे को तो। अबे भाई कहाँ गया ये, आवाज़ तो आ रही है यहाँ पर कहीं से। ओके, अटक गया है मेरे ख्याल से ये। अबे कहाँ अटक गया ये, इसको मैं पकड़ सकता हूँ, आसानी से कैप्चर हो सकता है। आजा भाई, 89 आ जाना चाहिए। ओके, 95, एंड लेट्स गो गाइस, ये आ चुका है। एंड 4 एक्स्ट्रा एबिलिटीज है इसकी। चलो भाई, कोई और बॉस तो मिला नहीं, लेकिन लैम्प बॉल का बॉस मिल चुका है। एंड इसको हम अभी निकाल लेते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आज के लिए बस ये वाला बॉस ही काफी है, बाकी बॉस ने तो भाई अपनी मतलब चड्डी उतार दी यार, जो कि हम पहनते भी नहीं है। ये रहा अपना लैम बॉल, जो कि बाकी से कितना बड़ा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। केटिवा की जगह रख देते हैं। एंड भाई नॉर्मल वाले को देख, एंड इसको देखो मतलब कितना बड़ा है। ये वाला नॉर्मल वाला है, एंड ये वाला शाइनी है, मतलब बॉस है जो कि लैम बॉल का बॉस है। तो दोनों में कितना ही फर्क है भाई। एंड ये बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहा है, ये देखो भाई कैसा लग रहा है। तो गाइज, मुझे लगता है आज के लिए हमने बहुत सारा खेल लिया है, एंड बहुत सारे काम भी कर लिए है। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें बना दिए है, उधर 2 मशीन्स बना दिए है, एक मशीन था, एक वो नहाने वाली जगह थी, एक यहाँ पर, ये हमने फर्नेस बना दिया है, एंड बेड्स बना दिए है। लैम बॉल के बॉस को पकड़ लिया है। बेस को हमने लेवल कितने पर पहुंचा दिया है? बेस को भी हमने पहुंचा दिया है लेवल 8 पे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।